डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः वन और वन्य जीव संसाधन की अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको कई प्रकार के वन बताए थे और वनों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का भी आपके सामने मैंने जिक्र किया था, और मैंने कल आपसे कहा था कि हम इसे भारत के मैप में भी देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले भारत में जो जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार होते हैं उन्हें हम भारत के मैप में देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की हेडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भारत का मैप देख लेते हैं। आप इस मैप को एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं जो भारत में उपस्थित वनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि सर्वप्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, जो कुछ हल्के रंग से है। पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इन शब्दों पे, फिर हम इसको मैप में देखते हैं। देखिए इसमें जो थोड़ा सा काला हिस्सा, एकदम काला हिस्सा जो है वो वैलांचली या दलदली वनों को प्रदर्शित करता है। ये बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं, डेल्टाई वन जिन्हें कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पर्वतीय वन को डॉटेड बिंदु से प्रदर्शित किया गया है। जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है इसको सबसे हल्के रंग से प्रदर्शित किया गया है, जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थोड़े गाढ़े रंग से है, और थोड़े और गाढ़े रंग से है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। तो मैंने कल आपको सारे क्षेत्र आपकी कॉपी में बता भी दिए थे, लेकिन आप एक बार मैप की सहायता से देख लीजिए। जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, और ये भारत के सबसे बड़े हिस्से पे पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे मैप में देखिएगा कि सबसे पहले तो आपको जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर आपको पर्वतीय वन दिख रहे होंगे ये हिस्से, क्योंकि यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पे आपको पर्वतीय वन दिख रहे होंगे। अब आप आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हिस्सा जो इसका, ये वाला एरिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना बड़ा एरिया, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को प्रदर्शित कर रहा है। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि एकदम हल्का हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, कांटेदार वनों को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क मरुस्थल होता है इसीलिए यहाँ पर जो वन होते हैं वो कांटेदार वन पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां अपने आप को कांटों में बदल लेती हैं और तने पत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं, जैसा आप नागफनी के पौधे में देख लेंगे। मैं आपको अभी नागफनी का चित्र दिखाता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि वो अपने आप को रूपांतरित कैसे करता है। और फिर इसमें देखिए जो एकदम गाढ़ा हिस्सा है, एकदम गाढ़ा मतलब क्या, बाकी उनसे गाढ़ा है, एकदम काला नहीं है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। ये हिस्सा है और ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्थात ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और बाकी जो एकदम काला हिस्सा है उसे हम कहते हैं वैलांचली या अनुपवन या डेल्टाई वन। ये देखिए ये हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का डेल्टा इसी को कहा जाता है, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा है और यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा है, तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये होते हैं इस प्रकार भारतीय मानचित्र पर वनों के प्रकार। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आपने एक बार इसको ध्यान दे लिया होगा और राज्यों के नाम आप कल की क्लास में पुनः नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कल ही आपको कहा था कि मैं कल आपको एक हिमालयन यव नामक पौधे के बारे में बताऊंगा, जो दिखने में चीड़ की तरह होता है। याद रखिएगा जो दिखने में चीड़ की तरह ही होता है, परंतु ये चीड़ का पौधा नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग होता है। यह एक औषधि पौधा है और इसकी पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। याद रखिएगा टैक्सोल नामक रसायन निकलता है, जिसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालयन यव क्या है, तो हिमालयन यव एक सदाबहार वृक्ष है जो कि एक औषधीय पौधा है, जिसकी पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्साल नामक एक रसायन निकलता है जो कि कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है वन और वन्य जीव संरक्षण।
तथा उसकी आवश्यकता और उसके विभिन्न उपाय। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग वन्य जीव के बारे में जान लेते हैं। वन्य जीव जिन्हें वाइल्ड एनिमल भी कहा जाता है, तो वन्य जीव ऐसे जीव जो वनों में निवास करते हैं उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वन होता है वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है, अर्थात जो वन्य जीव हैं वो वनों में ही रहते हैं। वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप के कारण, इसको आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से लिखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो ऐसे लिखेंगे आप, चूँकि वन में वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है लेकिन वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों के कारण वनों का ह्रास होता जा रहा है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं और उनकी भोजन आवश्यकताएं कम होती जा रही हैं। याद रखिएगा, भोजन संबंधी सामग्री कम होने के कारण उनकी भोजन आवश्यकताएं घटती जा रही हैं, जिसके कारण अनेक प्रजातियां अपने आप को जीवित नहीं रख पा रही हैं और लुप्त हो जा रही हैं या लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अतः इनको बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। याद रखिएगा, तो इनकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण वनों के ह्रास से वन्य जीवों के आवास और उनके भोजन समाप्त हो रहे हैं, जिससे वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता आन पड़ी है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, नेशनल पार्क की स्थापना, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्क भारत में कितने हैं और कुछ मुख्य राष्ट्रीय पार्कों को भी देखेंगे और कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा क्या कहा गया है, विश्व का प्रथम नेशनल पार्क अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क था, जो कि 1872 में स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, 1872 में विश्व का पहला नेशनल पार्क, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और दिख रहा है, अभी मैं आपको सारे वन्य जीव और वनों से संबंधित अधिनियम को अलग से बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पे एक बार इसको लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे है, भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी इसे कहा जाता है, जो कि 1972 में पारित किया गया था। इसकी कानूनी रूपरेखा तैयार की गई थी। और यहाँ पर आप देखिएगा, भारत में, यहाँ पे देखिए, पूरे विश्व में जो पहला नेशनल पार्क है वो अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क था, जो 1872 में स्थापित हुआ था। लेकिन भारत का पहला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उस समय के उत्तर प्रदेश में था परंतु आज के उत्तराखंड में है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, आज के उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को ये अलग राज्य बना दिया गया, जिससे यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, जो अति संकट ग्रस्त की श्रेणी में आता है। इसके संरक्षण के लिए 1913 में बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है, चलाया गया था। अभी आप लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर उठती है कि 1973 में ये जो बाघ परियोजना है वो शुरू कहाँ से की गई थी, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए, इस प्रकार से आपने देखा कि वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्या है और इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो मैंने जितना बोला आप इसमें लिख सकते हैं, मैंने ऊपर जो भी बोला कि वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग वन संरक्षण की आवश्यकता और वन संरक्षण के उपाय भी देख लेते हैं। ये तो वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता हो गई, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे जितना मैं बता दे रहा हूँ। वनों को वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, परंतु वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण इनके आवास और भोजन में कमी हो रही है, जिसके कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो जा रही हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं।
अतः उनके जीवन को बचाने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाने की आवश्यकता पाई गई है। ठीक है ना, आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वन संरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी तो है वन संरक्षण की आवश्यकता। और मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि जो वन ह्रास के कारण है और उसके कारण उत्पन्न समस्याएं क्या हैं, तो आप उसी को बना करके लिख सकते हैं वन संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है ना, तो देखिए जरा आप एक बार क्या होगा वन संरक्षण की आवश्यकता में, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जो मैंने बोला वही चीज यहां पर लिखी गई है। तो देखिए क्या किया गया है, लिखा गया है वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जिससे जल, मृदा और वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। पर्यावरणीय संतुलन के लिए वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, पर्यावरणीय संतुलन के लिए वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वन्य जीव जो हैं आहार जाल बनाने में सहायक होते हैं, आहार जाल बनाने में सहायक होते हैं। अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो आहार जाल पूरा नहीं होगा और पारिस्थितिकी तंत्र संपूर्ण नहीं होगा, जिससे पारिस्थितिकी का ह्रास होने लगेगा और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने लगेगा। अभी मैं आपको आहार जाल दिखा देता हूँ कि आहार जाल क्या होता है। फिर यहाँ पे जो बात मैंने बोली थी, वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन्य जीवों के आवास और उनकी भोजन सामग्री कम हो रही है, जिसके कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अतः इन्हीं को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है कि गिद्ध जो है, गिद्ध हमारे यहाँ अब पाए नहीं जाते हैं। पहले गिद्ध बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे, आप पुरानी फिल्मों में भी देखते होंगे कि जब किसी को मारा जाता था तो गिद्ध ऊपर से चहचहाने लगते थे, क्योंकि उनको मांस खाने को मिलता था। तो क्या होता था, ये एक अपघटक की तरह व्यवहार करते थे, याद रखिएगा, एक अपघटक की तरह व्यवहार करते थे, जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते थे। लेकिन वास्तव में ये अब गायब हो चुके हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला सवाल हमारा आता है, वन संरक्षण क्या है और इसके उपाय बताइए। वन संरक्षण क्या है और इसके उपाय बताइए। तो देखिए आप यहाँ पे वन संरक्षण क्या है, पहले आप परिभाषा आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अलग से, कि वन संरक्षण की परिभाषा क्या है। वन संरक्षण से अभिप्राय वनों की वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के अस्तित्व और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाव करना है, याद रखिएगा। अर्थात वनों को वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, याद रखिएगा, वनों की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का बचाव करना आवश्यक है, इसे ही हम वन संरक्षण कहते हैं, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वन संरक्षण किसे कहते हैं। अब वन संरक्षण के उपाय क्या क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन संरक्षण के उपाय, वन संरक्षण के उपाय, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें वनों का विस्तार करना होगा, क्या करना होगा, वनों का विस्तार। जैसे अभी मैंने आपको पहले चैप्टर की वीडियो में बताया था कि भारत में वनों का प्रतिशत कितना है, लेकिन वास्तव में होना कितना चाहिए, लगभग 33%। तो सर्वप्रथम तो हमें वनों का विस्तार करना होगा, याद रखिएगा, सर्वप्रथम हमें वनों का विस्तार करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जिससे आगामी पीढ़ियां उसका सही उपयोग कर सकें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किए जाएं, वनों को आग लगने से बचाया जाए, वनों को आग लगने से बचाया जाए, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए वन संरक्षण के कार्य किए जाएं, वन संरक्षण के, इसको आप हेडिंग लिख लीजिए और अंदर आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, वन संरक्षण के कार्य किए जाएं। वन संरक्षण के कार्य करने का मतलब, जैसे वन में पेड़ हैं, उसमें कुछ पेड़ क्या होते हैं, कीड़े लगने के कारण कुछ पेड़ विभिन्न रोगों के कारण समाप्त हो जाते हैं, तो आप उन रोगों को समाप्त करिए, आप उन रोगों को समाप्त करिए। और वनों में जो पशुओं को चराया जाता है उनको नियंत्रित किया जाए, अर्थात एक निश्चित मात्रा में ही पशुओं को चराया जाए। और जो वनों में नए पौधे पैदा होते हैं उन नए पौधों की पशुओं से रक्षा की जाए, उन नए पौधों की पशुओं से रक्षा की जाए, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो बड़ा होगा तभी तो वृक्ष बनेगा, ये याद रखिए। चलिए तीसरा देखिए, कृषि तथा आवास के लिए वनों के विनाश पर रोक लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा, कृषि तथा आवास के लिए वनों के विनाश पर रोक लगाया जाए। क्यों, देखिए
क्या कहा जा रहा है? अब हम लोग को कृषि करनी है। जैसे मैंने कल आपको झूम कृषि के बारे में बताया था, इसमें जंगलों को काट दिया जाता है, फिर वहां पर आग लगाकर मिट्टी को उपजाऊ बना दिया जाता है और खेती की जाती है। जैसे ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है, वहां से आगे बढ़ जाते हैं, वहां के वनों को काटते हैं, फिर वहां पर उपजाऊ करते हैं, फिर उसको पैदावार बनाते हैं, फिर जब वो अनुपजाऊ होती है छोड़ देते हैं। इस प्रकार से वन धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। तो आप झूम कृषि को नियंत्रित कीजिए और आवास के लिए वनों को काटना बंद कीजिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है। उसके बाद देखिए वृक्षारोपण, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि सही मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। देखिए मैंने कहा कि वनों का दोहन रोकिए, अर्थात वनों की अत्यधिक कटाई को रोकिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वनों की कटाई ही बंद कर दिया, क्योंकि वनों की कटाई बंद कर देंगे तो वनों पर आधारित जो उद्योग हैं वो कहां से अपना काम करेंगे, याद रखिएगा। इसीलिए आप वनों को काटिए, लेकिन जिस अनुपात में पेड़ों को काटिए उसी अनुपात में नए पेड़ भी लगाइए, जिससे वो बड़े होकर वृक्ष के रूप में बदल जाए, याद रखिएगा। जिससे क्या होगा, वनों का ह्रास कम हो जाएगा। बाकी यहां पे देखिए, वनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वनों को आप पर्यटन स्थल में विकसित कर देंगे तो वहां पर विभिन्न प्रकार के पर्यटक जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो उनको जितनी बढ़िया चीजें मिलेंगी और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप वन को काट देंगे तो उनको बढ़िया चीजें देखने को नहीं मिलेंगी और वो इनके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे। इसका मतलब वन संरक्षण के एक ये भी उपाय हो सकते हैं, और जब वहां पे पर्यटकों का आना जाना लगा रहेगा तो सरकार को इससे आय भी प्राप्त होगी, ये वनों के आर्थिक महत्व में भी आ जाएगा, याद रखिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नेशनल पार्क और वन अभयारण्यों की स्थापना भी की हुई है। और फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिएगा, वनों का आग से बचाओ, ध्यान दीजिएगा, वनों का आग से बचाओ, अर्थात वनों को आग लगने से बचाइए। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगती है तो महीनों महीनों तक नहीं बुझती है, याद रखिएगा। इसीलिए अगर वन में आग लग गई तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो वहाँ पे भूमि होती है उसमें नीचे पत्ते होते हैं सूखे आदि, अगर वो आग पकड़ लेते हैं तो बहुत बड़ी आग का कारण बन सकते हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, और इससे पूरा वन नष्ट हो सकता है। इसीलिए जलती हुई चीज़ों को वन के आसपास भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसे दस्ते बनाए जाने चाहिए जो कि, याद रखिएगा, ऐसे दस्ते बनाए जाने चाहिए जो कि हेलीकॉप्टर की सहायता से आपको बुझा सकें। किसकी सहायता से? हेलीकॉप्टर की सहायता से आपको बुझा सकें। तो आप एक बार के लिए इसमें हेडिंग वाइज बस इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और बाकी विस्तार नोट करने की जरूरत नहीं है। वन संरक्षण रोकने के उपाय क्या क्या हैं? वनों का विस्तार, वन संरक्षण के कार्य, कृषि तथा आवास हेतु वनों के विकास पर रोक, वृक्षारोपण, वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास, और वनों का आग से बचाव। ये आपके हो गए वन संरक्षण के उपाय। तो मैंने आपको वन और वन्य जीव संरक्षण तथा उसके उपाय के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर एक हेडिंग आती है, समुदाय तथा वन संरक्षण। मतलब इसका अर्थ क्या है, समुदाय तथा वन संरक्षण? जैसे हमारा एक समुदाय है, समाज है, वो वन संरक्षण को लेकर कैसे क्रियाशील है, अर्थात वन संरक्षण को लेकर वो क्या चाहता है, वन संरक्षण करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि समुदाय और वन संरक्षण क्या है, अर्थात हमारा समुदाय वन संरक्षण में कैसे योगदान देता है। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने दिए जाएंगे, आप इनको नोट डाउन करेंगे और ही आपको अपने पेपर में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारा समुदाय वन संरक्षण में कैसे योगदान दे रहा है, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहां पे अब अगली हेडिंग आपकी शुरू हो रही है, समुदाय और वन संरक्षण। तो हमारा समुदाय वन संरक्षण में कैसे योगदान देता है, हमें इसकी बात करनी है। तो पहले आप शुरुआत कैसे करेंगे, कहा क्या जा रहा है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, अतः वहां पर रहने वाले स्थानीय समुदाय, अतः वहां पर रहने वाले स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास के संरक्षण में जुटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसी से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसी से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये कोई एरिया है जहाँ पर कुछ समुदाय के लोग निवास करते हैं, कुछ गांव के लोग निवास करते हैं, उसके आसपास जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं और वन्य वन्य जीव हैं वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर इनका ह्रास हो जाएगा
तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी और ये अपने आवास को बचाए रखने में सफल नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अतः ये लोग अपने आवास स्थलों के बचाव के लिए सरकार से भी टकराने के लिए उतावले रहते हैं, अर्थात ये अपने समुदाय को बचाने के लिए सरकार से भी टकरा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या लिखे गए हैं, कुछ उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सरिस्का बाघ रिजर्व, याद रखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। अभी मैं आपको एक टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क से संबंधित कॉलम भी बनाकर अलग अलग दिखाऊंगा और मैप में भी दिखाऊंगा कि भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन है और प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, यहाँ के गाँव के जो लोग हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पर खनन कार्य बंद करवाने के संघर्षरत हैं, अर्थात सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो खनन का कार्य होता है उसको रोकने के लिए ये लोग वहाँ पर आंदोलन चालू कर दिए हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि राजस्थान में है वहाँ के रहने वाले लोगों ने वहाँ पर खनन कार्य को बंद करने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो हमारा समुदाय है ये वन संरक्षण को लेकर जागरूक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है टिहरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया है, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में क्या किया गया, उन्होंने उर्वरकों के प्रयोग को मना कर दिया है, अर्थात उन्होंने कहा क्या कि रासायनिक उर्वरकों का अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तब भी हम फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, जिससे वो बीज बचाओ आंदोलन नाम दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे अलवर राजस्थान में, अलवर राजस्थान में कुछ गांव के लोग जो हैं एक एरिया को भैरोदेव डाकाओ सेंचुरी घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में शिकार और बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस एरिया का अपना एक नियम कानून है, यहाँ पे लगने रहने वाले लोग अपना नियम बनाते हैं और उसी के अनुसार यहाँ पर नियम कानून चलाए जाते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता है, यहाँ पर कोई वनों की कटाई नहीं कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर एक अलग से नियम चलता है और वन का संरक्षण हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है जो कि समुदाय और वन संरक्षण से संबंधित है। समुदाय और वन संरक्षण से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नाम से चलाया गया होगा, आप इसके बारे में परिचित होंगे जरूर, याद रखिएगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के नाम से चलाया गया था जिसे आंदोलनकर्ता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, आप उनका नाम ध्यान में रख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ बातें चिपको आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, चिपको आंदोलन, तो यह जो आंदोलन था यह एक अहिंसक आंदोलन था, अर्थात इसमें कोई हिंसा नहीं की गई थी, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, हिंसा नहीं हुई थी इस आंदोलन में। और यहाँ पर हुआ क्या था, ये 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये अब उत्तराखंड में चला गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, परंतु 9 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को यह एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था उत्तराखंड। इसीलिए जो चमोली नामक जिला है वह अब किस राज्य में चला गया है, उत्तराखंड में चला गया है। तो अगर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन वर्तमान के किस राज्य में शुरू हुआ था तो आप बताएंगे उत्तराखंड में, लेकिन तत्कालीन किस राज्य में शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था, 1973 में शुरू हुआ था, आप इसका टाइम भी याद रख लीजिएगा। और मैंने नाम बता दिया सुंदरलाल बहुगुणा, आप नोट कर लीजिएगा कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इसी से मिलता जुलता एक आंदोलन 1982-83 में चलाया गया था दक्षिण भारत में, याद रखिएगा 82-83 में, 82-83, मैं इधर 82 लिखता हूँ इधर 83, ठीक है लिख लीजिएगा आप, 82-83 में चिपको से मिलता जुलता हुआ एक आंदोलन अपिक्को आंदोलन शुरू हुआ था, अपिक्को आंदोलन याद रखिएगा, चिपको से मिलता जुलता अपिक्को आंदोलन जो कि दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, ठीक है ना।
अब आप आगे देखिए हुआ क्या था इस आंदोलन में। क्योंकि यहाँ पे कुछ जो ठेकेदार थे उन लोगों ने सरकार से आज्ञा लेकर वनों को काटना शुरू किया, वृक्षों को काटना शुरू किया, तो चमोली जिले के लोग जाकर पेड़ों के किनारे से लिपट गए और उन्होंने कहा कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। इसी को कहा गया था चिपको आंदोलन, क्योंकि वो जाकर वृक्षों से क्या हो गए थे, चिपक गए थे। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर और हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको एक बार बस देख लीजिए, इनको पढ़ने या तैयार करने की जरूरत नहीं है। चिपको आंदोलन के बारे में आपको जितना जानना था मैंने आपको बता दिया, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए, इस प्रकार से हमने वन और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता तथा उसके कुछ उपाय के बारे में देख लिया है। तो मैंने कहा था आपसे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ उपायों में नेशनल पार्कों की स्थापना है और टाइगर रिजर्व की स्थापना है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व क्या हैं, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, फिर भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क अर्थात नेशनल पार्क और कुछ प्रमुख बाघ अभयारण्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि बाघ अभयारण्य और नेशनल पार्क में क्या अंतर है। तो देखिए आप ध्यान से एक स्लाइड देखिएगा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर। तो सबसे पहला तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जहाँ पर वन्य प्राणियों और वनस्पतियों को प्रकृति के सहारे पनपने और बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर वनस्पतियों और प्राणियों को प्रकृति के सहारे पनपने और बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जबकि जहाँ पर इनके पनपने के लिए वृद्धि के लिए विशेष उपाय व्यक्तियों के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। तो पहला अंतर आपका यही हो गया कि इनके संरक्षण और पनपने के लिए अर्थात वृद्धि के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, जबकि इनको प्रकृति के सहारे पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कहा गया वन्य जीव अभयारण्यों को महत्व कम दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को महत्व अधिक दिया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसका क्षेत्रफल कम होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। याद रखिएगा, वन्य जीवों के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वन्य जीवों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता का भी संरक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर केवल वन्य जीवों की बात होती है, जबकि यहाँ पर वन्य जीव के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों की भी बात की जाती है। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आप वन अधिकारियों की निगरानी में आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगी होती है, परंतु हाँ आप अधिकारियों के साथ बहुत कम संख्या में घूमने के लिए जा सकते हैं, मतलब मान के चलिए यहाँ पर घूमने की मनाही है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये नोट आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कि भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि भारत में कुल अब तक 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। याद रखिएगा, 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। कब स्थापित हुआ था, 1936 में। दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब हम देखना शुरू करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। मैप के माध्यम से देखना शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान अब तक हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जिसे सरकार के द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संरक्षित किया जाता है। इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रीय उद्यानों में प्राणियों और वनस्पतियों को प्रकृति के सहारे पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा और सरकार इनके संरक्षण का प्रयास करती है कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति आ जा न सके। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 12 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जबकि अंडमान में उसके बाद दूसरे नंबर पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और अब 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ असम तीसरे नंबर पर आ गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर अंडमान और फिर असम, तीनों का नाम आप लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अंडमान है। और हमारे उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारे उत्तर प्रदेश में, एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दुधवा नेशनल पार्क के माध्यम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग भारत के नक्शे में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क को देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ प्रमुख नेशनल पार्क। तो चलिए अब हम भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप भारत में राज्यों के मैप को देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। तो क्या हो रहा है कि यह हिस्सा देखिए नेपाल का है, यह हिस्सा नेपाल का है, नेपाल से नीचे लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, नेपाल के बगल में उत्तराखंड है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेपाल के इस साइड में उत्तराखंड है, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश है। पहले ये देखिए पूरा उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन अब अलग होकर ये उत्तराखंड बन चुका है। और यहाँ पर आपको देखिए राजस्थान दिख रहा होगा, जहाँ पर अभी मैंने सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात की। और आपको यहाँ पर देखिए असम दिख रहा होगा, जहाँ पर वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश को भी आपको बताया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, नेपाल, नेपाल का चित्र आपको तुरंत मानचित्र में दिख ही जाएगा। उसके नीचे होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में होगा बिहार, उत्तर प्रदेश के बगल में होगा बिहार, और बिहार के बगल में होगा पश्चिम बंगाल, और ये बीच का एरिया होगा बांग्लादेश। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको मेघालय यहीं पे मिलता है, मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। और फिर आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको असम दिखेगा, और सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, जो कि चीन से सीमा बनाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको दिल्ली दिख जाएगी, जो कि हमारी राजधानी क्षेत्र है। फिर यहाँ पे बगल में हरियाणा है, और ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, और एकदम ऊपर जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा, जो कि पहले केवल जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन अब इसको दो हिस्से में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हिस्सा लद्दाख। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। नीचे के कुछ राज्यों के बारे में बात कर लीजिए। और देखिए भारत के नक्शे में जो इधर पूंछ जैसा निकला होता है, ये गुजरात का एरिया होता है। इस गुजरात के ऊपर राजस्थान आपको याद ही हो जाएगा। तो कैसे आप याद करेंगे? देखिए नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, फिर आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड, बगल में बिहार, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल, बिहार के नीचे झारखंड, फिर आएंगे पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर मेघालय, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आपको इतने राज्य ध्यान में रखने हैं। और फिर नीचे के कुछ राज्यों को भी आप देख लीजिए, सबसे नीचे से आ जाइए। सबसे नीचे आपको इधर साइड में केरला मिलता है, इधर मिलता है तमिलनाडु, नीचे ये श्रीलंका है, और बगल में यहाँ पे ऊपर कर्नाटक मिलता है, फिर ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को काटकर 2014 में तेलंगाना बना दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कुछ प्रमुख राज्य हैं, आप इनको देख लीजिए। अब हम देखना शुरू करते हैं कि इन राज्यों में पाए जाने वाले नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। जैसे देखिए हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, याद रखिएगा ये लद्दाख में है, हेमिस टाइगर, एक मिनट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़। और फिर आप यहाँ पे देखिएगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इधर चले आइए आप, उत्तराखंड में लिख लीजिए कॉर्बेट, अपनी कॉपी में दो कॉलम बना लीजिए, दो कॉलम इधर लिख लीजिए राज्य, और इधर साइड में लिख लीजिएगा नेशनल पार्क, दो कॉलम बना लीजिए, मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाइए। तो राज्य में पहले लिखिएगा लद्दाख, लद्दाख में लिख लीजिएगा हेमिस, लद्दाख में लिख लीजिएगा हेमिस। उसके बाद आप आ जाइएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में आप लिख लीजिएगा कार्बेट, जिम कार्बेट, उत्तराखंड में आप लिख लीजिएगा जिम कार्बेट। और फिर चले आइएगा आप उत्तर प्रदेश में, कहाँ चले जाइएगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आप लिख लीजिएगा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। फिर आप लिखिएगा मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा मैं नीचे चलता आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आप कौन कौन सा लिख लीजिएगा? बांधा, सॉरी कान्हा, फिर बांधवगढ़, कान्हा बांधवगढ़, आप दो लिख लीजिएगा, और एक सतपुड़ा लिख लीजिएगा, कान्हा बांधवगढ़ और सतपुड़ा, आप तीन लिख लीजिएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए
तीन आपने लिख लिया, कान्हा और बांधवगढ़ याद रखेंगे। फिर आप राजस्थान का लिख लीजिए, राजस्थान का, राजस्थान में आप कौन कौन सा लिख लेंगे, सरिस्का लिख लीजिए, सरिस्का, राजस्थान में लिख लीजिए आप सरिस्का, और एक रणथंभौर लिख लीजिए, रणथंभौर, रणथंभौर। फिर आप चले आइए इधर पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत आपने नाम बार बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसे पूरा पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है, इसमें 7 राज्य आते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है आपको असम में काजीरंगा, इंपॉर्टेंट, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, असम में काजीरंगा पाया जाता है, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आपको मणिपुर में एक लिखा हुआ दिख रहा है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए केबुल लामजाओ, ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आप इसको लिख लीजिएगा, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जहां पर संगाई नामक हिरण पाया जाता है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको इसका चित्र भी दिखा रहा हूं नेशनल पार्क का, चलिए तो एक बार आप इसका चित्र देख लीजिए तब आगे देख। देखिए ये है मणिपुर की लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील है, इसमें देखिए ये जो हिस्से बने हुए हैं इसी को कहा जाता है फुमड़ी, क्या कहा जाता है फुमड़ी, ये तैरती रहती है और जब हिरण इसी हिस्से पर कूद कूद कर भागता है तो वह नाचता हुआ दिखाई देता है, जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो ऊपर की फुमड़ी दिख रही है तैरती रहती है, इसीलिए इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अभी ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये देखिए एक चित्र और दिख रहा है जिसमें यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का नज़ारा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये है मणिपुर की लोकटक झील और यहाँ पर पाया जाने वाला नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है केबुल लामजाओ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी दिखा दिया, अब हम लोग अन्य नेशनल पार्क की बात करते हैं, अन्य नेशनल पार्क की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश तक बता दिया था, अब आप नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है। एक आप देख लीजिएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख लिया, आप इनको ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आपके लिए मैपिंग की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं आप ये भी याद रखिएगा, एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी उपस्थिति कहाँ है थोड़ा देखिएगा आप, जब आप नेपाल वाला एरिया अपने मानचित्र में देखेंगे तो नेपाल के एरिया के ठीक नीचे है दुधवा नेशनल पार्क और नेपाल के ठीक बगल में है जिम कार्बेट, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो आपने इतने नेशनल पार्क को लिख लिए होंगे मैं आशा करता हूँ, और आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर बंद करते हैं। कल हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में और कुछ प्रमुख वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुविकल्पीय रूप से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं भी होगा तो आप एक ग्रीटिंग मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास जल्दी ले आने का। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास में कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में, और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाइए, और अगर आप यूपीपीएससी से संबंधित कंटेंट चाहते हैं तो हमारे एक दूसरे चैनल ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी ये ज्ञान की बातें प्राप्त हो सकें और हम लोग अपने परिवार को और बड़ा कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने बीच क्लास में आपसे बात किया था आहार जाल दिखाने के लिए, तो जाते जाते मैं आपको आहार जाल भी दिखा देता हूँ, आप उसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए आहार जाल क्या होता है। आहार जाल क्या होता है तो ध्यान दीजिए, आपके सामने ये एक आहार जाल दिख रहा है। आहार जाल का मतलब है कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर वापस समाप्त हो जाता है। तो कैसे हो रहा है जरा आप इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक उत्पादक होता है, आहार जाल में सबसे पहले नंबर पर आता है उत्पादक, उत्पादक जो कि उत्पादन करता है। तो उत्पादन में प्राकृतिक वनस्पतियाँ आती हैं जो कि अपने आप को खुद उत्पादित कर सकती हैं, इन प्राकृतिक वनस्पतियों को खाते हैं
प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखिएगा, प्राकृतिक वनस्पतियों को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक उपभोक्ता। आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इन्हें खाने वाले जीवों को कहा जाता है प्राकृतिक उपभोक्ता। उसके बाद आगे देखिएगा आप, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ताओं को जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ताओं को जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है अंतिम उपभोक्ता। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ से ये बदलते हैं अपघटक में, क्योंकि मरने के बाद चीज़ें सड़ गल कर अपघटक चीज़ें जैसे कवक आदि में बदलती हैं, जो कि पोषक तत्वों के रूप में उत्पादक को फिर से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा एक आहार जाल पूरा हो गया, जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। एक मैं आपको दूसरा आहार जाल भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि केवल शाकाहारी होते हैं। फिर इनको खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, याद रखिएगा, और इनको खाते हैं फिर तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक के बाद आता है अंतिम उपभोक्ता या चतुर्थक उपभोक्ता, और लास्ट में आते हैं अपघटक पदार्थ, जो कि प्राथमिक उत्पादक अर्थात वनस्पतियों को किसके रूप में मिल जाते हैं, पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये फूड चेन पूरी हो जाती है। इसे ही हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो मानव है वो भी इस तृतीयक उपभोक्ता में आता है, जो कि द्वितीयक को भी खाता है और प्राथमिक को भी खाता है और प्राथमिक उत्पादक को भी खाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आप मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और